दिस इज मी वसुंधरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को थंबनेल का तो पता चल ही गया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक्सपीरियंस अपना डालगोना कॉफी को लेकर, जो इन दिनों इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है। और आप लोगों को सबको पता है कि मैं चाय लवर हूँ, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, मुझे चाय बहुत पसंद है। चाहे कुछ मिले ना मिले, बट मुझे टी कॉफी अगर मिल जाए तो मैं पूरा दिन बिना खाए निकाल सकती हूँ। तो मैं इतनी बड़ी फैन हूँ टी और कॉफी की। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मोस्ट वायरल वीडियो और मोस्ट वायरल कंटेंट रिलेटेड टू कॉफी, डालगोना कॉफी। बस जैसे मुझे पता चला कि हाँ भाई कॉफी की बात है, और दिस इज सो क्विक कि आप आराम से कॉफी बना सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है बीट करने में, लेकिन मैं यहाँ पर बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ तो मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करूंगी। मेरी पूरी वीडियो में कोई हैंड ब्लेंडर या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर का यूज नहीं होगा, मेरे हाथ ही बनाएंगे वो वाली कॉफी। तो जी हाँ, तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे पास जो कॉफी है, मेरे पास है ये 10 रुपए का पैकेट, द सनराइज नेस्कैफे 10 रुपए का ये वाला पैकेट है। आप लोग कोई भी इंस्टेंट कॉफी और कॉफी ले सकते हो, कॉफी होनी जरूरी है। तो ये ले रही हूं, और इसके 2 स्पून मैं लूंगी, और 2 स्पून जो हमारे पास नॉर्मल चीनी होती मैं वो ले रही हूं। और इसके साथ और हमें सिर्फ हॉट वाटर चाहिए। तो मैंने सब चीजें तैयार कर ली है, सब चीजें मेरे हाथ में है। फटाफट से किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं डालगोना कॉफी बनाना। तो हियर वी गो। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ डालगोना कॉफी बनाने के लिए, द मोस्ट वायरल कॉफी इन दिस सीजन। तो चलिए भी शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए एक बाउल, तो मैंने यहाँ पे कांच का बाउल लिया है जिसमें हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस देखी हैं उन सभी वीडियोस में कांच के बाउल का यूज किया गया है। तो आई एम ऑल्सो यूजिंग कांच का बाउल, और मैंने यहाँ पे ले ली है कुछ 1.5 टी स्पून कॉफी, क्योंकि ये मेरी सिंगल अपने खुद के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 2 चम्मच चीनी। चीनी आप वो भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है, चाहे आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कीजिए, चाहे आप ग्रैनुलर फॉर्म में यूज़ कीजिए। मेरे पास जो है नॉर्मल चीनी हमारे घरों में जो मिलती है, मैंने वो यूज़ करी है। और मुझे ये रिक्वेस्ट जिसने भेजी है उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही अलग तरह की रिक्वेस्ट आपने मुझे भेजी, जिसे पूरा करने में मुझे बड़ा मजा आने वाला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है चीनी डाल ली है। आप देख सकते हैं ये 1 कप जो डालगोना कॉफी है इससे बनने वाली है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म पानी इस पर डालना है। तो ये मैंने बिल्कुल जो है गर्म गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया। याद रखिए, आप जितनी चीनी लेते हो, जितनी कॉफी लेती हो, उतना ही आपको चम्मच इसमें पानी लेना है। हमने जो तीनों इंग्रेडिएंट मिला दिए हैं, इस प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, और आपको चाहिए बाउल। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ मैं शुरू हो चुकी हूँ। और यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी मेहनत लगने वाली है। और बस बीट करते जाइए, बीट करते जाइए। जितना जो इसका बेस्ट रिजल्ट है ना, वो आपको बीटिंग ही देने वाली है। आप जितना ज्यादा बीट कर सकते हो, 15-20 मिनट आराम से बीट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। मुझे जब मैं ये करने लगी थी तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि भी कुछ बनने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला। मैं बीच में छोड़ने वाली थी, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, ये तो भाई हैंड ब्लेंडर वाला काम है। और बट नहीं, आपके हाथों से ये हो जाएगा, बस लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। चलो 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 चलो।
थैंक गॉड यहाँ पर आके जो है मुझे थोड़ी उम्मीद हुई है कि बन चुकी है आई गेस ये। तो अब हम इसको फटाफट से ग्लास पे सेटअप करेंगे। तो यहाँ मैंने कांच का ग्लास लिया है, कांच के ग्लास में थोड़ा और ज्यादा फैंसी दिखाई देने वाली है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चिल्ड जो दूध मैंने फ्रिज में रखा हुआ था वो मैं इसमें पहले डालूंगी। तो मैंने चिल्ड मिल्क डाला है, आप लोग चाहो तो उसमें बर्फ भी यूज कर सकते हो यानी कि आइस क्यूब यूज कर सकते हो। मेरे पास आइस क्यूब नहीं है तो मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क किया और उसके ऊपर सो सॉरी मैं आपको क्लिप दिखाना भूल गई, मुझे याद नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन है कि ऑफ है। तो मैंने जो फोर्थ फ्रोथ बनाया था मैंने कॉफी का वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। आप लोगों को फुल करना है, मेरे पास मैंने इस तरीके से किया है ये देखिए। अगर आप इसको और अच्छे से अगर आप उसको और बीट करते हो तो ये बिल्कुल काफी ज्यादा गाढ़ा बन जाएगा, बिल्कुल झाग की तरह। इस वक्त मेरा बिल्कुल ना कैरमल जो है कॉफी जैसी जो स्मेल आ रही है वही टेस्ट और वही अपीरेंस इस वक्त दिख रहा है। तो ये आप देखिए बहुत एकदम फैंसी लग रहा है ना। तो बस अब इसको टेस्ट करने की देरी है तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं टेस्ट। आई होप बन गया है अब ये। तो फर्स्ट टाइम मैं ये कॉफी जो है पीने वाली हूँ, अभी तक सिर्फ नाम सुना था, आज फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। हाथ दर्द हो गए इसको फेंटते 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 फेंटते, मुझे तो लगा था कि ये नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने काफी लोगों की वीडियोस देखी थी, सब लोग फेंटते जा रहे फेंटते जा रहे फेंटते जा रहे फेंटते जा रहे, बट वो अकर होने में जो है ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक आराम से फेंटा है और उस चीज को मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड क्लिप में मैंने आप लोगों को दिखाया, तो इसलिए शायद आपको जल्दी जल्दी पता लगे। तो मैं यहाँ पे इसको आई थिंक मिक्स करना है, और मैं कॉफी और चाय की बहुत बड़ी लवर हूँ। मैं दिन में 3 से 4 बार चाय पी लेती हूँ, और अगर कॉफी होती है तो कॉफी तो मैं वैसे भी जो है दूध में मिला के पी लेती हूँ, बच्चों की तरह मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम पीने वाली हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो यूजली मुझे जो है एक तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के टी या कॉफी चाहिए होती है, या फिर मैं रात को जब मुझे कुछ एडिटिंग से रिलेटेड कुछ काम करना होता है तो मुझे टी या कॉफी चाहिए होती है ताकि मैं लॉन्ग टाइम तक कर सकूं। तो ये जो कॉफी मैं अभी पी रही हूँ ये मैं पी रही हूँ रात को, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करने बैठना है कल की वीडियो के लिए। तो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं, मुझे तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। इसको मिक्स करना है फिर मिक्स करते हैं, चलो इसको फटाफट से। कॉफी की स्मेल ऑलवेज इसको भी लगता, मिक्स करने के टाइम पे मुझे उतना ही टाइम लगने वाला है आई गेस। उप्स, ये देखो चम्मच पे ही जो है उतर नहीं रहा। फर्स्ट टाइम रिएक्शन इस कॉफी का, तो कॉफी नेम इज डलगोना कॉफी। इतनी ज्यादा तगड़ी ये चिपकी है इसमें तो हो नहीं रहा, चलो टेस्ट लेके देखते हैं। हे भगवान कैसी है, अमेजिंग अमेजिंग। करेक्ट मीठा, कॉफी का करेक्ट टेस्ट, ना ज्यादा कड़वी है ना कम है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए इसमें अब झाग भी आने लग गए हैं, एज यू कैन सी झाग आने लग गए हैं। सो द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। आंख बंद करके पियो उस कॉफी को, और टेस्ट आपकी जीभ के एक एक कोने में इसका टेस्ट जाना चाहिए, तब आपको फील होगा कि आप क्या पी रहे हो। मच 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 बेटर देन अ सिंपल कॉफी, सीरियसली।
थैंक यू सो मच जिसने भी इस कॉफी का इजाद किया है. आई एम जस्ट लविंग इट. बहुत 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 अच्छी है. आई होप आपको इसकी, मैं तो अभी एक कप और बनाने वाली हूं, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर करना और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज खोजते रहिए ताकि हम जैसे इसको बना बना के पीते रहें. अब समझ में आया कि ये वायरल क्यों थी, क्योंकि इसका टेस्ट सुपर है, सुपर सुपर सुपर. और अगर आप इसमें जो है आइस क्यूब्स मिलाते हो तो ये और भी टेस्टी लगेगी. अदरवाइज आप इसमें चिल्ड जो दूध है वो यूज कर सकते हो. तो चलो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और अच्छे अच्छे आइडियाज मुझे भेजते रहना. थैंक यू सो मच मुझे इसका आइडिया भेजने के लिए और मुझे बहुत 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 पसंद आई है. तो चलिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करना. बाय गाइज, बाय.